You're a superhero. तो गाइज अभी जो मेरे हाथ में अमेजिंग स्मार्ट वॉच देख रहे हो, ये आती है नॉइस की तरफ से आने वाली नॉइस कलर फिट प्रो 2 स्मार्ट वॉच। तो काफ़ी अमेजिंग स्मार्ट वॉच है। आज की मेरी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको स्मार्ट वॉच क्यों नहीं लेनी चाहिए आज के टाइम पे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको वॉच का लुक देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लुक मिलता है आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर। साइड में आपको एक बटन देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बैक साइड के बारे में बात करूँ तो पीछे आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है और उसका सेंसर देखने को मिलता है। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको स्ट्रैप भी काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी में देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, इसके अंदर आपको मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिलता है। तो ये आपको चार्जिंग की केबल देखने को मिलती है। चार्जिंग की केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसके डिस्प्ले देखने को मिलती है। 1.3 इंच की IPS टच डिस्प्ले देखने को मिलती है और टच भी इसके काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। UI देख सकते हैं एकदम सिंपल आपको इसका UI भी देखने को मिलता है। कोई भी इसको आराम से चला सकता है इस स्मार्ट वॉच को। लेफ्ट में इसके आपको कंट्रोल वगैरह देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके ऊपर आप जब ऐप से कनेक्ट कर लोगे तो इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन वगैरह शो होंगे। और दोस्तों आपको जब साइड में आप इसको साइड में जब आप स्वाइप करोगे तो यहाँ दोस्तों आपको इसके मेन फीचर देखने को मिलेंगे। और जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जब आप इसकी सेटिंग वगैरह में जाओगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। डायल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसकी डिस्प्ले दिन में भी काफ़ी अच्छे से आप इसके टाइम वगैरह को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह को देख सकते हैं। मतलब काफ़ी ब्राइट इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका लुक जो है मुझे वो बोट स्ट्रॉम जैसा लगता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले उसकी अनबॉक्सिंग करी थी तो जाके आप वो वीडियो भी देख लेना। मुझे इसका लुक उसी वॉच की तरह से देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको ये स्मार्ट वॉच क्यों नहीं लेनी चाहिए आज के टाइम पर। दोस्तों इसका प्राइस काफ़ी हाई है आज के टाइम के हिसाब से। इससे अच्छी दोस्तों आप ले सकते हैं बोट की तरफ से आने वाली बोट एक्सटेंड। तो दोस्तों मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आपको बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बोट एक्सटेंड के अंदर आपको काफ़ी अमेजिंग फीचर देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको फुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और उस स्मार्ट वॉच से आपको बड़ा साइज देखने को मिलता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर। तो ये भी अच्छी स्मार्ट वॉच, आप इसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बोट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाके वो वीडियो भी देख लेना। मतलब दोस्तों जिस प्राइस में आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है उसी प्राइस में आपको बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है, मगर दोस्तों इससे अच्छे फीचर उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आपको कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।